हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टीम डैडी के एपिसोड नंबर 43 में चाओ भाई हॉल की तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है मम्मी, और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। डैडी, क्या आप इस सीट पर बैठ सकते हैं? मैं मम्मी के साथ बैठना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? डैडी रीजन इसको देखकर थोड़ा उदास होता है। डा को खाना खिलाते हुए कहता है, मम्मी चलो खाते हैं। रीजन डा से दूर बैठने के कारण डिप्रेशन में होता है। बाद में खाने के बाद का समय दिखाया जाता है। डा चाओ भाई से कहती है, चाओ भाई आज्ञाकारी बनो, मम्मी को अभी ओवर टाइम करना पड़ सकता है, आपको दादी और परदादी की बात को सुनना चाहिए, आपको जल्दी सोना है और मेरा इंतजार नहीं करना है, ठीक है? सुनकर चाओ भाई रोने लगता है और कहता है, मम्मी क्या आपके पास अभी डैडी है इसलिए आपको मेरी जरूरत नहीं है? गर्दीजन अपने मन में कह जाता है, मुझे इतनी बेस्ट क्वालिटी का बच्चा कैसे मिल गया? डाओ से समझाते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। रीजन डा और चाओ भाई की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि अगर मैं डा को अपने पास ज्यादा देर रखता हूँ तो इससे चाओ भाई को जलन होगी। डा कहती है, मम्मी चाओ भाई से बहुत प्यार करती है। भाई कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ और उसे किसी देखकर वहाँ से चली जाता है। रीजन कहता है, अब हमें भी निकलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों कार में होते हैं। रीजन कहता है, लगता है कि चाओ भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस जगह पर चाओ भाई के साथ हमेशा रहेंगे? सुनकर डा थोड़ी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, आखिर इसका मतलब क्या है? के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। देर बाद वो कंपनी में पहुंच जाते हैं और पार्किंग लॉट में होते हैं। कहती है, प्रेसिडेंट गु, मुझे गॉसिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये गॉसिप हमारे लिए हो। ये नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि चाओ भाई साल पहले चाओ भाई एक बंदी बिजनेस की डील के कारण पैदा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।